देखो आ रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स, अरे वहाँ आ नहीं रहे क्या? अपडेट हुआ कुछ अब आ ही नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सवेरे 9 बजे मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुकुल देव, इस भाग में हम लोग एनालिसिस लेके आते हैं। इस पूरे भाग में हम लोग एनालिसिस करते हैं कैसे चीज़ों को किया जाए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसको कैसे किया जाए। मिटाफर साहब, गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम भाई। विकास मिश्रा जी, शायद आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको भी मेरा गुड मॉर्निंग है। आपको भी मेरा गुड मॉर्निंग। पूर्णिमा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूर्णिमा जी, गुड मॉर्निंग आपको मेरा। श्रीकेश मौर्या, गुड मॉर्निंग। विकास मिश्रा, गुड मॉर्निंग भाई। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। 9 बजे की क्लास है तो 9 बजे लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। चलते हैं, वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो शुरू में मैं अपनाता हूँ अक्सर, जो है थोड़ा सा प्रमोशन या थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में। राहुल सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं क्रैक यूपीएससी सीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में जो हम लोग चीज़ों को देखते हैं कैसे क्या किया जाता है। एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो एक तरफ आपके टीचर हैं और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। और ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जहां आप क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और क्या है, यहां स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो टीचर क्या करता है, सॉल्व करता है। तो ये एक तरह का इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या मिलेगा आपको, जेबी विश्वकर्मा साहब, गुड मॉर्निंग। क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी चीजें आपको पाने के लिए यहाँ पे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अनअकैडमी का जो डाउनलोड लर्निंग ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे। जेबी विश्वकर्मा साहब, हेलो हेलो। चलते हैं अबाउट मी। मेरा जो है 2007 से मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है मुखर्जी नगर में। मैं जो है तमाम कोचिंग संस्थाओं में मेरा मैं पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो है अभी मैं जो है अनअकैडमी पे मैं आया जल्दी ही, जो है 2007 से। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीज़ें मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुई हैं। राजकुमार चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। मेरा टीचिंग स्टाइल अगर आप देखेंगे, आप पढ़ाने का जो मेरा जो भी चीज़ें हैं तो वो देखेंगे तो वो कनेक्टिविटी ऑफ इंटर टॉपिक्स है। राजकुमार चौधरी जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहली बार जुड़ रहे हैं राजकुमार चौधरी जी आप मुझसे, चैट में लिख के आप बता सकते हैं क्या ये पहला क्लास है आपका, पहली क्लास है ये? अच्छा, पहली क्लास है, ठीक है। इसके पहले वाली थोड़ी क्लासेस आप जाके ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जुड़े हुए हैं उनसे आप फीडबैक भी ले सकते हैं कि सर कैसा करते हैं। गुड मॉर्निंग अवनीश जी, गुड मॉर्निंग भाई, अवनीश कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, अगर आप देख रहे हो देख पा रहे होंगे तो टॉप 100 एजुकेटर्स हैं। समझिए, आपके सपनों को साकार करने की दिशा में ये सारे एजुकेटर्स 24x7 क्या हैं, प्रयासरत हैं। और 24x7 ये सारे एजुकेटर्स क्या हैं, प्रयासरत हैं, ताकि आप जो सपना पाल रखा गया है आपके द्वारा उस सपने की दूरी तय करा सकें। और ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो अनअकैडमी का है, तो प्लीज़ आप उस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए। ज्योति सिंह, गुड मॉर्निंग। आयुषी विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग।
कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात अन अकेडमी के साथ क्या है कि देखिए जैसे पॉलिटी के 15 अपकमिंग हैं, ज्योग्राफी है, ऑप्शनल में आप देखेंगे तो ऑप्शनल में आपको ढेरों कोर्स मिलेंगे, आपको एंथ्रोपोलॉजी भी मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, आपको जो है मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा, मतलब ऑप्शनल के जो बेहतरीन कोर्सेस हैं वो पूरा का पूरा कोर्सेस मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर पे हैं, आंसर राइटिंग कोर्सेस में मैं खुद लेके आ रहा हूँ तो वो मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बुशरा मलिक गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। सब्सक्रिप्शन पे आप समझिए कि 8,000 रुपये है, 20,000 है 3 महीने का, 6, 36, 12, 44। तो अगर आप देखें यूपीएससी सीएससी का तो प्लस और आइकॉनिक दो तरह के कोर्सेज यहाँ पे हैं। अगर प्लस कोर्सेज में आप जाएंगे तो 44,000 फीस है और 39,600 अगर आप मुझे मेरे अपने कोड को यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करके एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे, जैसे क्या है कि हम लोग सोसाइटी करने वाले हैं, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन करने वाले, सोसाइटी की क्लास में जल्दी ही डेमो यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे टाइम सजेस्ट करिए कि वो कौन सा टाइम है जब मैं लेके आऊँ, मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा और वो जो डिस्कस होगा वो माइंड मैप चार्ट पे होगा, कि हमको माइंड मैप चार्ट की मतलब हम लोगों को कैसे पढ़ना है इस चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो और सोर्सेस कहाँ कहाँ से लेना है। सर मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, आयुषी विश्वकर्मा जी मेरा आपका सोशियोलॉजी है लेकिन मैं खाली सोसाइटी पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, जैसे कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या चीज़ें हैं, तो इस पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा विषय जो है वो सोसाइटी में पढ़ाऊंगा आपके, आप लोगों को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्योग्राफी इकोलॉजी डिजास्टर जो है वो भी मैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप 64,000 रुपये फीस है 24 महीने की और 57,600 रुपये है, मुकुल देव कोड है मेरा, तो आप इस मुकुल देव नामक कोड को यूज कर सकते हैं और आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि 64,000 रुपये 57,600 रुपये आपको देना होगा। अगर आप आइकॉनिक को देखते हैं तो थोड़ा आइकॉनिक थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं चाहूंगा कि आप लोग आइकॉनिक ही लिया करें। आइकॉनिक इसलिए लिया करें, सबसे बड़ी बात है मेंटर है, मेंटर है और मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नीतू कुमारी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जल्दी ही मैडम मैं अपना टेलीग्राम आपको दे दूंगा, जो मेरा वो है उस पर आपको पीडीएफ सारे मिलते रहेंगे, सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। पूर्णिमा सागर सोसाइटी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, मैडम हम लोग प्लान कर रहे हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं और आपको मतलब बहुत देख के बहुत अच्छा लगेगा, उस क्लास को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आप ये कह सकती हैं कि सोसाइटी में जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का माइंड मैप चार्ट, फिर उस माइंड मैप चार्ट पे पूरा नोट्स और उसके बाद उस पे क्वेश्चंस। तो क्लास कब से स्टार्ट होगी, बस जल्दी ही स्टार्ट होगी, आप ये मान के चलिए कि आज है 9 तारीख तो 13-14 से क्लासेस को हम लोग रन कर देंगे। क्रेडिट कार्ड भाई, ये नाम कैसा है क्रेडिट कार्ड। हेलो सर आई एम न्यू हियर, थैंक यू फॉर यार, आप नए हो लेकिन घबराना मत, आप मुझसे जुड़े रहिए और आप ये पाएंगे कि जुड़ के आपका बहुत सारा विकास होगा, ऐसा नहीं है। और कैसे पढ़ना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों में मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और जो है आप अपने जितने भी कुलीग्स हैं इनसे आप ले सकते हैं जो मेरे साथ परमानेंटली जुड़े हुए हैं। आइकॉनिक कोर्सेज की बात करूँ तो सबसे मेंटर, मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटर, क्योंकि लाइफ में मेंटर होना। सर इसका नोट्स कैसे बनाए, मेटाफर इंसान साहब इस किसका किसका नोट्स कैसे बनाए, इसका जो इसका है सर, ये नाम निधि मैम ने दिया मुझे जो पहले अनअकैडमी पर थी, निधि मैम ने दिया है जो मतलब किसका नाम दिया है आपको क्रेडिट कार्ड साहब, किसका नाम निधि मैम ने दिया है, अच्छा ये कह रहे हैं कि जैसे मेटाफर इंसान इसका नोट्स कैसे बनाए, आप घबराइए मत, नोट्स असल में क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, तो जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे तो आपको खुद ही बहुत क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जब क्लास खत्म हो जाए तो उस पर आप लिख के दे दीजिएगा, तो मैं उस पर आंसर डाल दूंगा आपका, तो जब मैं आंसर डालूंगा तो सबको शो हो जाएगा कि कैसे क्या चीजें हैं, तो आप वहां पर प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में लिख पूछ लीजिएगा। अच्छा 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 फैजान भाई ठीक है यार ठीक है, थैंक यू भाई। ये निधि मैम ने मतलब मेरा नाम आपको सुझाया था कि इनसे जाके पढ़ लीजिए। कोमल मकवाना यूपीएससी जल्दी कैसे क्रैक करें सर, कुछ गाइडेंस करें। एक मैम सिर्फ एक गाइडेंस है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, देखिए शॉर्ट ट्रिक दुनिया में कुछ भी नहीं है, यूपीएससी में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक ही गाइडेंस का अच्छा तरीका है कि आप जो भी पढ़ें समग्र पढ़ें, कभी भी सिंगल हैंडेड अगर आप पढ़ाई करेंगे तो नहीं होगा यूपीएससी में। फैक्चुअल के लिए कोमल जी कहीं स्थान नहीं है यूपीएससी में, सब कुछ है कॉन्सेप्ट बेस पे,
और देखिए बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, कठोर बातें ही मेरे मुझे मेरी आदत है, क्योंकि ये एग्जाम बड़ा कठोर है। आपको यहाँ पे सिर्फ कोमल जी इतनी बातें ध्यान रखनी होंगी कि एक निश्चित समय तक आप मुझे जुड़े रहिए और जुड़कर आप चीजों में थोड़ा सा डेवलप करिए, और जहां प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में, जब क्लास खत्म हो जाए तो मुझसे आप क्वेरी किया करिए, तो मैं आपकी हर क्वेरी का उत्तर आपको वहां पे दे दिया करूंगा कोमल जी। यूपीएससी जल्दी जल्दी का देखिए सेंस ये हो सकता है कि मैं फर्स्ट ईयर में ही क्रैक कर जाऊं, सेकेंड ईयर में ही क्रैक कर जाऊं, मतलब फर्स्ट का मतलब पहले अटेम्प्ट में ही, लेकिन पहले अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए आपको कम से कम पूरा सिलेबस का आपको अपने हाथ से नोट्स भी बनाना होगा और आपका अपना कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपको पढ़ के कंप्लीट होना चाहिए। तो प्लीज आप उस पे जो है मेरे साथ करिए, ठीक है। चलते हैं क्लास की तरफ। अंकित त्रिपाठी जी क्लास की तरफ चलते हैं। सर सोशियोलॉजी भी पढ़ाते हैं आप क्या? नहीं, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाता हूं अंकित, ज्योग्राफी इकोलॉजी डिजास्टर सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा पूरा अपना कमांड है, वहां पे उस एरियाज में आपके लिए काम करूंगा, जल्दी ही मैं लेके आ रहा हूं। दीपक वर्मा जी धन्यवाद, शैलेश दैनिक जागरण थैंक यू दीपक वर्मा जी जुड़ने के लिए। चलते हैं, 64,000 रुपये फीस है और 57,600 रुपये अगर आप जो है वो लेते हैं मुझसे, मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। मेंटर की बात मैं कर रहा था, मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में, अगर मेंटर होगा तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी, ये इजी हो जाएंगी। मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले एस्पेक्ट करता है, स्टडी प्लानर होगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होंगे, पर्सनलाइज फीडबैक कि आपका कितना विकास हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 64,000 रुपये फीस है आपकी और 57,600 रुपये मुकुल देव का आपने कोड यूज किया तो आपको मिल जाएगा। 99,000 फीस है और अगर आप मेरी कोड यूज करते हैं तो 89,100 रुपीज आपको जो है वहां मिल जाएंगे, मुकुल देव मेरा कोड है, प्लीज आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। चलते हैं हम लोग आगे, लेते हैं टॉपिक को लेते हैं, देखिए पढ़ा कैसे जाता है। जो लोग भी मुझसे अभी पूछ रहे थे कि सर पहले साल में ही क्रैक कैसे करें, तो देखिए क्रैक करने का एक मेथोडोलॉजी मैं आपको लगभग बताता हूँ। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कस्तूरी कॉटन, और ये कस्तूरी कॉटन जो है अभी 7 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया, और उस वर्ल्ड कॉटन डे में जो हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं, जो केंद्रीय कपड़ा और महिला तथा बाल विकास की मंत्री श्रीमती ईरानी साहब हैं, इन्होंने क्या है कि वर्ल्ड कॉटन डे पे जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। मतलब क्या लॉन्च किया है, तो एक तरह का इन्होंने जो है ब्रांड लॉन्च किया है, और उस इंडियन प्रीमियम कॉटन जो है वो किस नाम से जाना जाएगा, तो कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो हो गई फैक्ट, ये हो गया फैक्ट। ये हो सकता है कि जितने स्टेट एग्जाम हैं चाहे वो UPPCS हो चाहे MPPCS हो चाहे इस तरह से जितने स्टेट एग्जाम हैं उनमें हो सकता है, लेकिन देखिए IAS में अगर आपको IAS करना है UPSC करना है तो आपको बहुत सारी क्या है कॉन्सेप्ट्स को जानने पड़ेंगे, तो हम लोग उस दिशा में बढ़ते हैं। खबर सिर्फ इतनी है कि जो हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं महोदिका हैं जिनका नाम जो है श्रीमती ईरानी साहिबा है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जो वर्ल्ड कॉटन डे था उस वर्ल्ड कॉटन डे के ऊपर उन्होंने क्या किया कि भारत का जो कपास का जो भारत कपास उत्पादन करता था उस उत्पादन करने के क्रम में भारत का उन्होंने कस्तूरी कॉटन के रूप में उसका मानक दिया है। तो आज से जो है इंडियन प्रीमियम जो कॉटन होगा वो कस्तूरी कॉटन के नाम से दुनिया में जाना जाएगा, और ये जो कस्तूरी कॉटन होगा उसमें जो मतलब अपनी विशेषताएं होंगी जो फीचर्स होंगे वो फीचर्स क्या हैं, तो उसका वाइटनेस एक फीचर है। वाइटनेस मतलब कैसा होगा, वो सफेदी उसकी एक फीचर है। दूसरा फीचर अगर देखा जाए तो शुद्धता है, क्या है शुद्धता, प्योरिटी उसकी एक फीचर है, प्योरिटी। और तीसरा फीचर अगर आप देखें तो क्या है उसका शुद्धता के साथ उसका क्या है ब्राइटनेस, उसमें ब्राइटनेस मतलब क्या है चमक बहुत होगी, ठीक है यूनिकनेस होगी अन्य कॉटन से, वो क्या है यूनिकनेस है। तो ये उसके फीचर्स हैं। ये तो हो गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अगर आप देखें कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है या पहला कॉटन डे है कि दूसरा कॉटन डे है, जो लोग भी जिनको भी अभी PCS एग्जाम देखने हैं, देखिए PCS देना है, आप यकीन मानिएगा कि जितनी क्लासेस हुई हैं PCS एग्जाम्स में आप देखिएगा कि इनसे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो ये फीचर्स में अगर आप देखें तो ये सारी फीचर्स हैं, और आपने स्मृति ईरानी ने, अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, जिसने मुझसे अभी सवाल पूछा था देखिए उस सवाल का मैं जवाब देने जा रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कि हमको क्या पढ़ना है, यहां पर जो कॉटन की बात की गई है, यहां पर कॉटन के लिए सिर्फ इन्होंने बोला कि हम लोग जो है कॉटन का उत्पादन कॉटन को हम लोग कस्तूरी कॉटन करते हैं,
कॉटन में अगर आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो कॉटन है वो कैसी क्रॉप है, वो कॉटन जो है वो कमर्शियल क्रॉप है। क्या है? कमर्शियल क्रॉप है। और ये भारत में जो लोगों को आजीविका प्रदान करती है, ये भारत में अगर आप देखा जाए तो बड़े क्षेत्र का आजीविका मतलब प्रदान करती है। भारत में अगर इसका देखा जाए तो एक लंबे क्षेत्रफल में लोगों को आजीविका प्रदान करने वाला यह जो है क्या है, यह फसल है। यह क्रॉप कैसा है? यह क्रॉप कैसा है तो लिवलीहुड प्रदान करने वाला है। लिवलीहुड प्रदान करने वाला, लिवलीहुड का मतलब होता है क्या? आजीविका प्रदान करने वाला है। और आप ये देखेंगे कि भारत अगर विश्व में, विश्व के कपास का लगभग जो है, आप देखिए ये फैक्ट्स हैं, लेकिन ये फैक्ट्स नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। ये फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 23% के आसपास का क्या है, भारत उत्पादन करता है। पूरे वर्ल्ड का 23% भारत के पास है। तो अगर भारत सरकार अगर क्या है वो यूपीएससी अगर लिख के पूछ दे कि 5% है, या यूपीएससी कभी भी मतलब 23% एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगी, वो ये कहेगी 5-10% भारत का विश्व जो विश्व का कपास का उत्पादन जो है, भारत का हिस्सेदारी इसमें खाली उत्पादन में खाली जो है 10% है। तो आपको एक मोटा मोटा फिगर पता होना चाहिए कि 20 कम से कम 20 से अबव है और 25 से कम है। तो इतना अगर अपने आपको, अपने दिमाग को आपने क्या है कमांड दे रखा है, तो आपका दिमाग जो है वहां पकड़ेगा। तो आप देखिए कि कपास का उत्पादन जो है वो विश्व कपास के उत्पादन में लगभग 23% की भागीदारी किसकी है? इंडिया की है। और दूसरा चीजें अगर आप देखने जाएं तो अगर आप भारत में कुल जैविक कपास उपज में देखें, जैविक कपास का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे जरा देखिएगा कि ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शंस में देखेंगे वर्ल्ड में, तो 51% जो है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बाद हम लोग चलते हैं, असल में ये टॉपिक हम लोग ये अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि जीव जो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया में, उसमें कॉटन का नाम है। उसमें किसका नाम है? कॉटन का नाम है, कॉटन का। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का नाम में कॉटन का नाम आता है। ये फर्स्ट जो है, व्हेन इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट जीएम क्रॉप, तो आप समझिएगा बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन का नाम आता है। और ये जो बीटी कॉटन है, ये बीटी कॉटन को बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पे जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, मतलब एक तरह का क्या है जननांकीय रूप से जो क्रॉप है उसको जननांकीय रूप से क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया। और उस मॉडिफाइड करने के कारण क्या हुआ, किसने किया, तो मॉन्सेंटो कंपनी है, डेवलप्ड बाई मॉन्सेंटो, मॉन्सेंटो कंपनी है। और उसके कारण क्या हुआ कि एक जो बीमारी होती थी पिंक बुलवर्म बीमारी, ये एक डिजीज होती थी जो क्या है कॉटन में लग जाती थी। और इस डिजीज के लगने के कारण कॉटन को क्या है, कॉटन को समस्या झेलनी होती थी। तो मॉन्सेंटो कंपनी ने बीटी कॉटन का क्या किया, उद्विकास किया बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन का उद्विकास करने के कारण क्या हुआ, ये जो डिजीज पिंक बुलवर्म है, ये डिजीज क्या है खत्म हुई। और मॉन्सेंटो ने भारत में इसका क्या है 2006 में बोलगार्ड में ये मतलब इसने उत्पाद किया। और आज जो है इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन पार्सली ड्यू टू, तो ये इंडिया जो है वो क्या है बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो हो गया। तो ये बीटी कॉटन, अब हम लोग जरा देखते हैं कि बीटी होता क्या है, ये बीटी है क्या, बीटी कॉटन हम लोग खूब नाम सुनते हैं। देखिए ये जो कॉटन का टॉपिक है ये दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, एक तो ज्योग्राफी में पढ़ा जा सकता है कि कहाँ होता है, कितना होता है, कैसे क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसे हैं, तो वो हम लोग का टॉपिक कभी और होगा। अभी हम लोग सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कॉटन में जो बीटी कॉटन का एरियाज है या बीटी कॉटन में है या कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। तो बीटी कॉटन को अगर देखेंगे तो बीटी कॉटन है क्या, तो एक चीज समझिएगा कि ये बीटी का जो बीटी नाम दिया गया है ये कुछ और नहीं है, ये बैसिलस थुरिंजस है। जरा देखिए नाम देखिए, बैसिलस थुरिंजेसिस है ये। और ये क्या है, ये एक जीवाणु है। अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो उसने यह बैसिलस थुरिंजेसिस पे क्या किया है, जीवाणु की जगह क्या कर दिया है, यहां विषाणु कर दिया है। विषाणु नहीं है, ये जीवाणु है, ये बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ये देखिए बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरियम है। बैसिलस थुरिंजेसिस क्या है, एक बैक्टीरियम है। और उस बैक्टीरियम के कारण क्या होता है, एक नया एक क्रिस्टली प्रोटीन करके जो है प्रोड्यूस होता है। और वो क्रिस्टली जो प्रोड्यूस होता है, वो प्रोटीन जो होता है वो कीटों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यहां पर एक क्या है, ये जो बैसिलस थुरिंजेसिस जो जुआ, असल में होगा क्या कि इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की,
इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी। किसने कर दी, अभी ये बात करते हैं। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण क्या हुआ, जो कॉटन की फसल में हमने क्या इंडक्ट किया, बीटी कर दिया। बीटी इंडक्ट का मतलब है इसमें डाला गया, और डालने के कारण ये बीटी क्या होगा, तो ये बीटी एक तरह का बैक्टीरियम है, एक तरह का बैक्टीरियम है, और ये बैक्टीरियम क्या करेगा, तो प्रोटीन का सिक्रीशन करेगा, मतलब एक तरह का प्रोटीन क्या करेगा, निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा। और ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, ये क्या है, ये हार्मफुल है उन लोग, उस इंसेक्ट के लिए, जो अभी हम लोग इंसेक्ट की बात कर रहे थे कि एक इंसेक्ट होता है, उस इंसेक्ट के लिए क्या है, ये खतरनाक होता है। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, बीटी कॉटन कहा गया, बीटी कॉटन कहा गया, ठीक है। बीटी, इसके नाम पर ही बीटी फसलों का नाम क्या क्या है रखा गया है। ये एक जीवाणु होता है जो क्या है, विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करता है, ताकि क्या है, कीटों को बचाव किया जा सके। तो ये बीटी कॉटन के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको जो है एक आध दो जानकारियां और दे देता हूं कि भारत में ये कैसे होता है, ये सारी चीजें होती कैसे हैं। अब थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा कि किसी भी जीएम क्रॉप को, जो जीएम क्रॉप्स हैं वो कैसे आती हैं जीएम क्रॉप को। अभी तक खाली कॉटन को दिया गया, कॉटन को दिया गया है बीटी कॉटन को। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए कि प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ये प्रक्रिया, और प्रक्रिया किसकी, अप्रूवल की, अप्रूवल की प्रक्रिया। अब ये जो अप्रूवल की प्रक्रिया में जरा ध्यान रखिएगा कि एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये कौन सा, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक रूल है, रूल, वो रूल जो है उसको 1989 रूल कहा गया है, 1989। अब इस रूल में जो है वो अथॉरिटीज की बात की गई है। देखिएगा मैं थोड़ा सा चार्ट आपके लिए बना देता हूं। ये अथॉरिटी की बात की गई है, और ये अथॉरिटीज जो बात की गई है, इन अथॉरिटीज में कुछ अथॉरिटीज हैं जो किसके अंतर्गत काम करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत काम करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत काम करती हैं, ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन मंत्रालय क्या, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, एंड टेक। अब देखिएगा इसमें दो बातें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेफ्टी मेजर्स पे जो बातें होंगी, सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स मतलब जो निर्माण करने की प्रक्रिया पे बातें होंगी, निर्मित प्रक्रिया पे, निर्मित प्रक्रिया पे, निर्मित प्रक्रिया पे जो सुरक्षा के मानदंड होंगे, उन सुरक्षा के मानदंड पे, ये मैं बीटी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में मैं बता रहा हूं कि प्रोसेस अप्रूवल कैसे किया जाता है। ये आप किताब पढ़ते रह जाएंगे, सर्फ एक्सेल का दाग है, ढूंढते हुए मिलेगा नहीं। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सुन लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये निर्मित प्रक्रिया है, सेफ्टी मेजर्स है। अब इस सेफ्टी मेजर्स में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत कि तमाम जो है वो डिपार्टमेंट है। जैसे डिपार्टमेंट के मैं नाम अगर आपको लिख देता हूं, तो जैसे एक डिपार्टमेंट है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट अंग्रेजी में ही करिएगा, हिंदी में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, ये एक कमिटी है जो किसके अंतर्गत काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत। दूसरी क्या है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, ये कमिटी है। और तीसरी जो है वो कमिटी काम करती है, उसका नाम है रिव्यू, रिव्यू कमिटी, रिव्यू कमिटी है ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ऑन जेनेटिक, ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन है। तो ये तीन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, किसके अंतर्गत है, साइंस एंड टेक के। क्या काम है तीनों का, तो जो निर्मित प्रक्रिया है, मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी किसी क्रॉप की, उस क्रॉप को देखने के लिए जिस जो मानदंड है वो कौन देखेगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखेगी कि कैसे वो किया जाए, कैसे वो सुरक्षित किया जाए। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी उसका क्या करेगी, रिव्यू करेगी, और जो उसके बाद का जो सारा परिणाम होगा उसको एक रिव्यू कमिटी बना के रखा गया, वो रिव्यू कर लेगी। अब जब ये सारे रिव्यू हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो करने के बाद फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में
क्या करेंगे? तो एक कमिटी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग अप्रेजल, अप्रेजल कमिटी। ये इसको क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, क्या है? स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, संविधानिक क्या है, सांविधिक निकाय है, संविधिक निकाय है। और ये संविधिक निकाय किसके अंतर्गत आता है? तो ये संविधिक निकाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजेंसी के अंतर्गत आता है, नोडल एजेंसी है ये। ये पूरी की पूरी तरह क्या है, एक नोडल एजेंसी। अब इस नोडल एजेंसी का काम क्या है, तो जरा काम देख लीजिए, काम क्या होगा इसका? तो इसका काम है कि फील्ड ट्रायल की अनुमति, जब यहां से ये बन के आ गया, मान लीजिए ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बन के हो गई। थोड़ा सा टॉपिक टफ लग रहा होगा, लेकिन बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूपीएससी में अगर आप उठा के देखेंगे तो कम से कम 4-5 सवाल इसी पे बने हुए हैं। यहां पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना, मतलब जो क्रॉप बन के आई, उस क्रॉप का फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल मतलब खेतों, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या कर रही है, उसको देख रही है अपने फील्ड ट्रायल पे, खेत में ले जाके अपने क्या करेगी, उसका फील्ड ट्रायल देखेगी। और फील्ड ट्रायल देखने के बाद उसके पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट्स को क्या करेगी, देखेगी कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं और क्या निगेटिव हैं। फील्ड ट्रायल के बाद ये क्या करेगी, फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास भेज देगी, पर्यावरण मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के पास। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट उसको क्या है, उसको अनुमति देता है, फाइनल अप्रूवल कौन दे रहा है, तो फाइनल अप्रूवल जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट देगी। तो कुल मिला के जीएम फसलों में देखिए कि अप्रूवल की कैसे है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल नंबर 1989, उस रूल नंबर 1989 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये रिकम्बाइंड डीएनए एडवाइजरी कमेटी, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी रिव्यू कमेटी। अब ये तीनों कमेटियों से क्या होगा, ये कमिटीज क्या कर लेंगी, ये कमिटीज उसके सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान देंगी कि वो कैसे डेवलप किया जाए और उसके सेफ्टी निर्मित कैसे किया जाए, और उसके सुरक्षा के मानदंडों की बात करेंगी। जब निर्मित प्रक्रिया और सुरक्षा के मानदंडों की बात करने के बाद वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत कार्य करती है, अब वहां पे पहुंच जाएगा। अब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास ये बात जाएगी तो वो क्या करेगी, वो एक स्टैचुरी बॉडी है, वो फील्ड ट्रायल को देखेगी, उसके पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट्स को देखेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को कहां भेज देगी, फाइनल अप्रूवल के लिए। यही जेनेटिक और इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो और भी बातों को ध्यान देती है, ये यूज पे कि कैसे इसको किया जाए, फिर उसके बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, ये सारी चीजों पे ध्यान कौन देता है, ये सारी चीजों पे ध्यान कौन देगा, तो वो देगा। एक इसी में स्टेट भी है, स्टेट का भी है, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये सब कुछ करने के बाद स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेज दिया क्या, और उसने फिर क्या किया, उसने एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटी है उसका, उस पे कर दिया। अब जब ये सारा जो प्रोसेस होगा, ये सारा प्रोसेस अगर हमने कर लिया और फिर हमको क्या मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा। और अब जो है जीएम फसलों का हम क्या कर सकते हैं, हम उनको बो सकते हैं, मतलब हम उनको खेत में ले जा सकते हैं। अभी तक किसको किया गया, कॉटन को किया गया, और ये कॉटन में क्या किया गया, बैसिलस थुरंजस है, बैसिलस थुरंजस, थुरंजस है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, इसीलिए इसको नाम बीटी का दे दिया गया। क्या किया गया इसमें, बैक्टीरियम को यूज किया गया है, और ये जो बैक्टीरियम यूज किया गया है, ये जो बैक्टीरियम यूज किया गया है, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। अब तक एग्जाम में एक बार बैक्टीरिया पे पूछा गया और ये प्रोटीन की जगह विटामिन कर दिया गया है, तो प्रोटीन का सिक्रीशन करता है। और ये जो प्रोटीन का सिक्रीशन है, इस प्रोटीन के सिक्रीशन के कारण जो इंसेक्ट्स लगते हैं, जैसे आपने क्या देखा, आपने बॉलीवुड का इंसेक्ट्स देखा, उसमें उसमें जो है लग जाता है, इस इंसेक्ट को क्या करता है, ये इंसेक्ट को खत्म कर देता है ये, इसलिए जो है कॉटन की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हो गया पूरी की पूरी कहानी, मैंने आपको बीटी कॉटन की बता दी। अब थोड़ा सा अगर हम लोग और देख लेते हैं, बीटी कॉटन पे ही देख लेते हैं, तो यहां पर अगर आप बीटी कॉटन को देखेंगे तो यहां पर क्या है, देश में बीटी कपास हाइब्रिड के वाणिज्यिक प्रयोग सरकार द्वारा वर्ष 2002 में मंजूरी दी गई। इस प्रकार क्या है, इसमें जो है अधिक पैदावार की क्षमता होती है, लेकिन क्या है, जो भी हाइब्रिड फसलें होती हैं, जब हाइब्रिड होती हैं, मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें थोड़ा सा जो है उर्वरक और पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ये एक दिक्कत है।
अगर आप देखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा हाइब्रिड कॉटन पॉलिसीज जो हैं आपकी भारत सरकार की, वो आपको समझ में आएंगे कि कमर्शियल यूज कैसे किया गया बीटी कॉटन का। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात क्या देखी, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कॉटन को, देखिए कॉटन को अगर ढंग से पढ़ना है कॉटन, तो एक तो हम लोग एक क्या है प्रोडक्शन एरिया देख सकते हैं कि प्रोडक्शन एरियाज कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है किसका, कॉटन के फसल का, एक एस्पेक्ट पढ़ने का ये होता है। दूसरा एस्पेक्ट अगर कॉटन को देखना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हम लोग देखें, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देख के हम ये देखें कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, कंसंट्रेशन जो मतलब वो कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, तमिलनाडु में हैं, तो ये इन इंडस्ट्रीज में। फिर जब हम ये देख लें तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्विंग के लिए क्या किया जा रहा है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरह पढ़ा जाता है। और तीसरा, अगर ये कॉटन को हमने क्या किया, कॉटन में अगर हमने बीटी कॉटन को किया, तो इसके लिए जो है पूरा का पूरा जो कैसे अप्रूवल कमेटी होती है, तो अप्रूवल कमेटी की एक पढ़ाई, तो हम लोगों ने ये वाली पढ़ाई कर ली बीटी कॉटन अप्रूवल कमेटी की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर कभी, जब कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे बात होगी तो किया जाएगा। प्रोडक्शन पे लगभग मैंने आपको दो बातें क्या कर दी, अगर आप देखें तो 23% के आसपास कमर्शियल यूज का क्या है पूरे वर्ल्ड का भारत सरकार के पास, भारत सरकार करती है या भारत के लोग करते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक क्रॉप्स की बात करें, अगर आप ऑर्गेनिक मतलब कॉटन की बात करेंगे, तो आप 51% क्या है वर्ल्ड में आप डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब आप सर्वाधिक उत्पादन ऑर्गेनिक कॉटन पे कर रहे हैं। ये हम लोगों ने एक बात इस पे कर ली, एक बात इस पे। राज्यवार फसल, मतलब अगर आप महाराष्ट्र को देख लें ये, तो राज्यवार फसल प्लीज जाके आप नोट कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। तो ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ किस पे, जो ये है जो हम लोगों ने इस पे देखा था, वर्ल्ड कॉटन डे एट अ ग्लांस जो है, तो ये हम लोगों ने देखा था जो है, और ये अभी जो है किया गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं, इंडियन और यूरोपियन संघ को लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत समग्र टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत समग्र है। लेकिन इस समग्रता के टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग जो है चीजों को ढंग से देखेंगे, क्योंकि ये समग्रता का टॉपिक बहुत सारी चीजों को लेके रखा है। देखिए होता क्या है कि जो हमारे यूनियन रेलवेज एंड कॉमर्स के जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं, श्री पीयूष गोयल जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने, इन्होंने कुछ कल बातें की। कल इन्होंने क्या कहा कि व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने, उनका कहना है कि जो भारत है और जो यूरोपियन संघ है उसको क्या करना चाहिए, उसको बड़ी पार्टनरशिप करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मतलब एक बड़ी पार्टनरशिप करना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं साथ में, पीयूष गोयल जी का ये मानना है, भारत सरकार के देखिए मंत्री हैं, और मंत्री क्या है, मंत्री अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके प्रति उसकी जवाबदेही होती है, और उसी की नहीं पूरे मंत्रिमंडल की जवाबदेही होती है कि वो कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस बात के लिए क्या है, मतलब यह बात पुष्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को गति देनी है। देखिए होता क्या है, कोविड के कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी गिरी हुई है, और क्या है यूरोपियन संघ की भी अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। तो उनका कहना है, मतलब माननीय हमारे मंत्री जी का कहना है कि भाई हम इस कोविड के दौर से निकलकर आगे बढ़ने में हमारा साथ कौन, इंडिया का साथ जो व्यापारिक भागीदार है हमारा वो कौन है, यूरोपीय संघ है, और ये एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट पिलर्स कहा है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इन महत्वपूर्ण स्तंभ में क्या करना है, हमको अपनी व्यापारिक साझेदारी को क्या करना है, इकोनॉमिक जो हमारी पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को क्या कह रहे हैं, तो इसको बढ़ाने की बात कह रहे हैं, और इस बढ़ाने की दिशा में, मतलब कैसे हम बढ़ें, तो वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है, मतलब हम भारत, मतलब मंत्री जी को उम्मीद है, मतलब पूरे देश को इस बात की उम्मीद है कि ये जो सहयोगात्मक रुख होगा वो किसको लेकर होगा, तो ईयू टूवर्ड्स एफटीए इसके प्रति होगा कि क्या है, तो एफटीए क्या है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी मैं इनसे बात करता हूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में यूरोपीय संघ के साथ काम करने की उम्मीद कर रहे हैं ये, यूरोपीय संघ के साथ काम करने की, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का यूरोपीय संघ के साथ अब तक नहीं है, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें।
कौन चाहता है तो माननीय हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी, मतलब पीयूष गोयल जी का मतलब हम पूरे भारतवर्ष के लोग ये चाहते हैं कि यूरोपीय संघ के साथ काम करने की हम उम्मीद कर रहे हैं, और इस काम करने की उम्मीद में तेजी से जो हम काम कर सकते हैं वो किस दिशा में कर सकते हैं, ताकि एक जो है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम क्या करें, हम बढ़ाएं। अब ये संभवतः इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि प्रेफरेंशियल अगर ट्रेड एग्रीमेंट हम करते हैं तो ये इसके आउटकम्स जो होंगे, मतलब जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट होगा किस पे, जो रिजल्ट होगा जो इकोनॉमी पे रिजल्ट होगा, मतलब जो अर्थव्यवस्था पे रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, बहुत तेजी से पॉजिटिव बनेगा। और चूंकि अर्थव्यवस्था को इस वक्त पॉजिटिव आउटकम्स की बहुत जरूरत है, क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड इट, क्योंकि कोविड 19 ने सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी ही अर्थव्यवस्था को, उनकी भी अर्थव्यवस्था को क्या किया है, खराब किया है। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पे देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या। तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को बस पकड़े रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पी स्क्वायर का मतलब होता है, एक का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स का मतलब होता है वस्तु, और एक पी ये हो गया पी, और दूसरा पी इधर आ जाए इधर, इसका मतलब होता है पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अब प्रोडक्ट और पर्सन क्या हो, ये प्रोडक्ट और ये पर्सन, ये मतलब गुड्स और पर्सन क्या हो, यहां से गुड्स और पर्सन में क्या देखने को मिले, थोड़ा सा समझते रहिएगा, क्या मिले यहां पे, तो यहां पर इस एरिया में देखिएगा समझिएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है, इस पे कोई भी टैक्स का बाउंडेशन न हो, शुल्क पे जो शुल्क है या ये शुल्कों, शुल्क की बात वहां पे ना हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होगा तो उसमें शुल्क जैसी चीजों में क्या है, शुल्क की कोई बात नहीं होगी, मतलब क्या है, व्यापार जो है वो कैसा होना होगा, सुगम होगा, और ईज डूइंग बिजनेस होगा। तो ये है एक प्रोडक्ट के लिए, और जो पर्सन है, जो ये पर्सन है, ये पर्सन व्यक्ति, इसकी जो आवाजाही है, आवाजाही मतलब जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, रेस्ट्रिक्शन फ्री होगा। रेस्ट्रिक्शन फ्री का मतलब होता है कि कोई भी उस पर क्या होगा, उस पर कोई भी मतलब आप जो है उपबंध नहीं लगा सकते, या आप उसके आवाजाही को क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया किसी देश के साथ, तो आप आवाजाही को क्या है, आवाजाही को रोक नहीं सकते, प्रोडक्ट की आवाजाही को नहीं रोक सकते, पर्सन की आवाजाही को नहीं रोक सकते। प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट पे शुल्क या टैक्सेस, इन चीजों में क्या है, आपको सुविधाएं, मतलब आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, और व्यक्ति की आवाजाही पे कोई बहुत बाउंडेशन नहीं है। तो ये हो गया मुक्त व्यापार समझौता, इसको कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एग्जाम्पल अगर मैं हम लोग ले देते हैं, तो आसियान क्या है, आसियान ये भारत सर, मतलब भारत और भारत के पड़ोसी देश जितने हैं, इनका क्या है, आसियान नहीं, भारत और जो भारत के वो लोग जो यहां पे हैं, इंडोनेशिया है, चाहे मलेशिया है, चाहे थाईलैंड है, ये या साफ्टा को ले लें आप, भारत और उसके पड़ोसी सहयोगी देशों का क्या है, ये एग्जाम्पल है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भारत सरकार वहां बढ़ रही है। तो अभी क्या चाहते हैं हमारे माननीय जो वो हैं, जो पीयूष गोयल जी हैं, वो क्या चाह रहे हैं, पीयूष गोयल जी ये चाहते हैं, माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, कि यूरोपियन यूनियन में और इंडिया में क्या साइन हो, FTA साइन हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, ताकि पर्सन और प्रोडक्ट दोनों का क्या हो, मूवमेंट हो, कैसे, रिस्ट्रिक्शन फ्री हो। आप समझिएगा, असल में यूरोपियन संघ में आपका प्रोडक्ट जो है बहुत नहीं जा पाता, अभी भी आपके व्यापारिक साझेदार में देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा है आपके एक्सपोर्ट्स का, तकरीबन 22-24% उनके पास जाता है, लेकिन तब पर भी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो नहीं रोकते। जैसे आप आम भेज रहे थे और अल्फांसो आम था, आपको अल्फांसो आम वहां पर क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स के जो मेजर्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी पे हैं,
मतलब उसमें इतनी की इतना सुक्रोज का कंटेंट होना चाहिए, इतने दिन में इतना फ्रेशनेस होनी चाहिए, उसमें इतने तत्व पाए जाने चाहिए, ये नहीं पाया जाना चाहिए, तो पूरी एक लिस्ट है। और भारत सरकार के जो सामान होते हैं या जो हम भेजते हैं वो उस लिस्ट पे खरे नहीं उतरते हैं, इसीलिए नहीं। तो भारत सरकार चाह रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो उससे क्या होगा, उसकी भारत सरकार की इकोनॉमी को क्या होगा, बूस्टअप मिलेगा। मतलब बाउंडेशन जो हैं, आपको उस पर्सन उस प्रोडक्ट पे आप बहुत बाउंडिंग नहीं लगाएंगे तो वो भारत सरकार को क्या होगा, भारत सरकार की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, देखिए क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मैं आपको एक मतलब टर्म दे देता हूं, आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमी एग्लोमरेशन, ये एक टर्म है। अब इस टर्म को जरा समझिएगा आप लोग, इस टर्म में बहुत सारी बातें की गई हैं। ये बेसिकली अगर आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां की बातें हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि इस टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको खाली उसकी मतलब हेडिंग्स बोलता चला जाऊंगा, आप समझिएगा। आर्थिक एकीकरण, विश्व क्या चाह रहा है, पूरा का पूरा विश्व जो है, आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या होता है, जहां पर आप समझिएगा, ये जैसे आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या होता है, ये ए है और ये बी है, मतलब ये दो कंट्री है, ये कंट्री है, और इन दोनों कंट्री के बीच में क्या हो, अर्थव्यवस्था, जो इन दोनों कंट्री की जो इकोनॉमी हो, जो अर्थव्यवस्था हो, उसका क्या होना चाहिए, उसका एकीकरण होना चाहिए। और जो एकीकरण है वो कई चरणों में होता है, मतलब स्टेजेस हैं उस एकीकरण के, और जो स्टेजेस हैं उस स्टेजेस में जो पहला स्टेज है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मैं नाम लिख देता हूं, इसी से बहुत सारा यूपीएससी में क्वेश्चन आया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या वरीयता इसको बोला जाता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, बाकी ट्रेड का मतलब आप समझते ही हैं, व्यापार एग्रीमेंट का मतलब आप समझते ही हैं, समझौता। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो जो दो देशों की इकोनॉमी को जोड़ने की दिशा में, अर्थव्यवस्था को जोड़ने या एकीकरण की दिशा में जो कई चरण होते हैं उसी को क्या कहा गया, पहला चरण जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। आर्थिक एकीकरण दुनिया में अगर अपने को बचाए रखना है तो लोग ऐसा कहते हैं कि आर्थिक एकीकरण के दौर में आपको बढ़ना चाहिए, और उस आर्थिक एकीकरण का दौर हम लोग चल रहे हैं। तो पहला जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड होता है, दूसरा जो चरण होता है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो ये दूसरा दौर हो गया कि आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जो है वो क्या करना चाहिए, आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। जो तीसरा दौर है वो जो तीसरा है बाइलेटरल, मतलब द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट ट्रेड करना चाहिए। द्विपक्षीय क्या है, विनिवेश समझौता, द्विपक्षीय निवेश संधि करनी चाहिए। तो ये हो गया तीसरा। चौथा अगर हम लोग देखते हैं तो सेपा, ये क्या है, ये कॉम्प्रेहेंसिव मतलब समग्र आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, समग्र आर्थिक भागीदारी की बात की गई है। सीपा है, इसी को सेका भी कहा जाता है, ठीक है, सेका कहा जाता है, चौथा हो गया। पांचवा अगर हम चलते हैं तो कस्टम यूनियन, प्रशुल्क संघ की बात की गई, पांचवा। छठवां कॉमन मार्केट, साझा बाजार, और इस साझा बाजार के बाद सातवां जो चरण होगा साझा बाजार के बाद वही इकोनॉमिक यूनियन की बात की गई, मतलब क्या है, आर्थिक संघ बने, जैसे क्या है, इस आर्थिक संघ को बनाने की दिशा में क्या है, यूरोपियन यूनियन अभी बात करते हैं, यूरोपियन सातवां ये हो गया।
आठवां क्या है, फिजिकल यूनियन, फिजिकल यूनियन, फिजिकल यूनियन। तो ये क्या है, आर्थिक एकीकरण। अगर अब देखिएगा थोड़ा सा यहां समझिएगा, ऊपर से नीचे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमको ये दे देगा, चार नाम इसमें से निकाल के दे देगा और बोलेगा कि आप वरीयता क्रम के आधार पे, वरीयता क्रम के आधार पे आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक अग्रुमेंटेशन को क्या करिए, सजाइए। मतलब आपसे वो क्वेश्चन पहला पूछ लेगा कि कैसे हम किस दिशा से बढ़ें ताकि हम आर्थिक एग्रीमेंट कर लें या आर्थिक एकीकरण करें किसी अर्थव्यवस्था की। तो पहला हमको करना होगा वरीयता व्यापार समझौता, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर बायलेटरल, फिर सेपा या सेका, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, फिर फिजिकल यूनियन। असल में इस पे समग्रता पे बात करने के लिए कम से कम एक घंटे की एक क्लास मुझे चाहिए, जिस क्लास में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन देशों के मध्य है, भारत का कम से कम किन देशों के मध्य है, उसके फायदे क्या है, उसका नुकसान क्या है। सेपा में भी हम देखेंगे तो इसी तरह से देखेंगे कि क्या है सेपा है क्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं पढ़ने का, जैसे आज लोग पढ़ते हैं कि आज पूछ रहा था कोई मुझसे कि सर पहले अटेम्प्ट में कैसे, पहले अटेम्प्ट में जब आप कोई समग्र बात करेंगे तभी होगा। सेपा को जब आप पढ़ेंगे तो है क्या, पहली बात। दूसरी बात है क्या ना, होने के साथ साथ क्या है इसके, मतलब एग्रीमेंट किसके किसके, अगर इंडिया का किसी के साथ है, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो अगर आप इतनी बात जानते हैं तो आपका ये समग्र स्टडी है। और ये इसका क्या है, सेपा आर्थिक एकीकरण का क्या है, एक चरण है, एक स्टेज है कि नहीं है, हाँ स्टेज है। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या है, इकोनॉमिक यूनियन में क्या है, इकोनॉमिक यूनियन कौन है, तो जिस इकोनॉमिक यूनियन की बात हम लोग कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जो यूनियन है, जो सातवां चरण है, जो सातवां स्टेज है, भारत क्या चाहता है, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि हम जो कि हम क्या करें, हम चूंकि ये क्या है, यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन कैसा है, ये इकोनॉमिक यूनियन है, एक इकोनॉमिक यूनियन है, यूनियन है। और ये सातवां स्टेज, सेवंथ स्टेज है, कौन सा किसका है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट का, इकोनॉमिक एकीकरण का ये सातवां स्टेज है। अब भारत ये चाहता है कि ये एक तरफ ये इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन के 27 देश और एक तरफ इंडिया, इन दोनों देशों के बीच क्या हो जाए, तो इन दोनों देशों के बीच में FTA साइन हो जाए। और ये FTA क्या है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इससे भारत सरकार का क्या होगा कि जो पर्सन है और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वस्तु, वस्तु या जो गुड्स हैं, उस गुड्स की क्या हो जाए, रेस्ट्रिक्शन फ्री हो जाए, रेस्ट्रिक्शन फ्री हो जाए, रेस्ट्रिक्शन फ्री आवाजाही क्या हो जाए, आवाजाही सुनिश्चित हो जाए। इससे क्या होगा, इससे इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी, इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी, बूस्ट होगी। असल में समझिएगा, कुछ गुड्स में तो आपको अभी है भी, इंडिया यूरोपियन संघ गुड्स को तो लाने देता है, सर्विसेज में उसने बहुत सारा अभी क्या कर दिया, ब्लॉक लगा दिया है। और गुड्स और सर्विसेज दोनों की आवाजाही जो है होनी चाहिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड में गुड्स का ही है, गुड्स का ही मामला है, सर्विसेज का नहीं है। तो इकोनॉमी बूस्ट करने की बात की जा रही है कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, तो इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। मैंने आपको लिए ये बात कर दी। अब थोड़ा सा हम लोग यूरोपियन यूनियन को देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है, 27 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है, समझिएगा 27 देश हैं, आर्थिक और राजनीतिक एक तरह की सहभागिता इन्होंने कसम और वचन एक दूसरे को दिए हैं। ये जो 27 देश की संधि है, ये 27 देशों की संधि एक क्या है, एक संघ के रूप में ये जुड़े हुए हैं, जो कि क्या करेंगे, व्यापार को आसान बनाएंगे और जो विवाद है उनको क्या करेंगे, उन विवादों को सुनाएंगे। मास्ट्रिच्ट संधि के अंतर्गत ये लोग एक दूसरे से जुड़े और जुड़ने के कारण क्या हुआ कि एक यूरोपियन यूनियन का जो है उद्भव हुआ। ये यूरोपियन यूनियन क्या है, तो एक तरह का इकोनॉमिक आर्थिक एकीकरण है, आर्थिक एकीकरण है। और ये आर्थिक एकीकरण सातवां चरण है, सातवां चरण है। उस आर्थिक एकीकरण का जो सातवां चरण है वो क्या है, इकोनॉमिक यूनियन बनना है। और यूरोपियन यूनियन क्या है, एक इकोनॉमिक भी यूनियन है और राजनीतिक सहभागिता, मतलब इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल, आप देखिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप है। तो मतलब क्या है कि एक तरफ तो इकोनॉमिक यूनियन है ये, मतलब आर्थिक एकीकरण की दिशा में बढ़ता हुआ यूरोप का सातवां चरण है। और इस इकोनॉमिक यूनियन के बाद लोग कहाँ जाते हैं, तो फिजिकल यूनियन में जाते हैं। 27 देश हैं, मास्ट्रिच्ट की संधि के अंतर्गत ये बैठते हैं और अपने सारे डिस्प्यूट्स व्यापार ट्रेड को क्या कर रहे हैं, ट्रेड को बहुत बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं दो देशों के बीच में उनको कम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यापार है वो
व्यापार जो है वो किसी भी बड़े मुद्दे को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसा है कि डिस्प्यूट्स वहां पे खत्म है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो आपस में जितना अधिक व्यापार होगा, इसको इम्पोर्टेंट थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इस बात को, कि जितना ज्यादा व्यापार होगा उस उन देशों के मध्य तनाव की संभावना है, लेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड वॉर। ठीक है, आप इंडिया और चाइना कर तो रहे हैं सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन युद्ध जो तमाम टीवी चैनल दिखाता है, ये टीआरपी का मामला है समझ लीजिएगा, तो युद्ध होगा नहीं, युद्ध होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि 62 के बाद भारत बहुत तेजी से बदला है, और 62 के बाद जो भारत में बदलाव आए हैं वह बदलाव इतने व्यापक हैं कि युद्ध होने की संभावना क्यों नहीं है, क्योंकि उनके बीच में जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक ये है, समझिएगा, गौरतलब है कि यूरोपीय संघ में कुल 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा क्या है, उस 27 में से जो है 19 जो है वो क्या मानते हैं, आधिकारिक रूप से मानते हैं। हाल में जो है यूनाइटेड किंगडम क्या हुआ, अलग हो गया, और अलग होने के बाद इनकी संख्या क्या है, 27 है, ब्रेग्जिट के तहत ये अलग हो रहा है। ठीक है, ब्रेग्जिट का मतलब होता है कि क्या है, आप बाहर निकलिए, किससे आप निकल जाइए, किससे, यूरोपियन यूनियन से। तो इसी के तहत जो है ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन अपने आप को बाहर निकाला, 2020 में जनमत वहां संग्रह हुआ था, उस संग्रह के कारण वहां से चीजों को बाहर निकालने की बात की गई, और यूरोप जो है वहां से बाहर निकलता है। यूरोप का जो बड़ा देश है ब्रिटेन, वो क्या है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसने जो है अभी हाल में ही जो है छोड़ा है। अब आप जरा देखिएगा इस यूरोपियन यूनियन के और मामले को, और ये जो छोड़ने की बात की गई है वो लिस्बन संधि में बात की गई है, कि कोई भी देश कैसे जो है वो निकल सकता है उस यूरोपियन यूनियन से। तो लिस्बन संधि, मैस्ट्रिक्ट संधि, ये सब चीजों को समझते रहिएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक चीज और है कि जो यूरोपियन यूनियन है, ये यूरोपियन यूनियन, मैंने आपको बार बार कहा है कि आर्थिक एकीकरण का युग है, आर्थिक एकीकरण का, इस आर्थिक एकीकरण में 7वां चरण है। अब ये इसका मतलब क्या है, तो जरा इसका मतलब है कि सिंगल मार्केट प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, एकल बाजार सिद्धांत पे, समझिएगा, सिंगल मार्केट प्रिंसिपल पे ये यूरोपियन यूनियन काम कर रहा है। जो यूरोपियन यूनियन है, इस यूरोपियन यूनियन में क्या है, यह एकल बाजार पर जो ये है पूरा, यूरोपीय संघ ने कानूनों को मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से क्या किया, एकल बाजार विकसित किया है। तो ये जो एकल बाजार का सिद्धांत है ये क्या है, जरा समझिएगा। यहाँ पे देखिए गुड्स एंड पीपल, ये देख रहे हैं गुड्स एंड पीपल, ये देख रहे हैं गुड्स एंड पीपल, यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट है, पी स्क्वायर का ही, पी का एक का मतलब होता है पीपल और एक का मतलब होता है प्रोडक्ट, यही गुड्स है प्रोडक्ट। अब ये जो पीपल और गुड्स है कैन मूव एनीवेयर, कहीं पे भी एक दूसरे में विदाउट एनी टैक्स, किसी टैक्स के बिना, टैक्स नहीं, और बिना किसी रुकावट या रोक टोक के क्या कर सकते हैं, वो अपनी नौकरी कर सकते हैं, आजीविका, मतलब ये जो गुड्स है इसका क्या है, इसका बिना रोक टोक के आवाजाही कर सकता है एक देश से, मतलब ये जो 27 देश हैं, इन 2700 देशों में क्या है, इनकी आवाजाही मुक्त है, और इन 2700 देशों के जो लोग हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, तो इनके जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसके लिए, अपनी आजीविका के लिए मूव कर सकते हैं, अपने मनोरंजन के लिए मूव कर सकते हैं, घूमने के लिए मूव कर सकते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है, फ्री मूवमेंट, देखिए जरा लिखा हुआ है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स इज स्पेशलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यही यूरोपियन यूनियन का है। और भारत सरकार ये चाहती है कि हम क्या करें, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम, भारत सरकार चाहती है कि हम करें। आप जरा देख लीजिए देशों का क्रम, देखिए तो बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, जर्मनी, इस्टोनिया, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, क्रोशिया, इटली, साइप्रस, लाटविया, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यही निकला है बाहर, और हो सकता है जो लोग स्टेट एग्जाम देते हैं उनसे पूछ ले कब बाहर गया, किस डेट में बाहर गया, तो वो डेट मैंने कर दी। स्वीडन, फिनलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, पुर्तगाल, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, माल्टा, हंगरी, लग्जमबर्ग और लिथानिया, तो ये बड़े देश हैं, ये यूरोपियन यूनियन के देश हैं। और अभी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन में देश कितने हैं, आपने ये देखा कि कौन कौन सा जो है, जो देश है जो यूरो मुद्रा अपनाता है, यूरो मुद्रा जो अपनाता है। इसके बाद ये दोनों चीज़ों के बाद आपने मैस्ट्रिक्ट संधि को देखा, लिस्बन संधि को देखा, आपने क्या देखा, आपने आर्थिक एकीकरण का जो युग है, इस आर्थिक एकीकरण के युग में जो 7 चरण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इस पे अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज मुझको मैसेज करिए कि अगर आपको जरूरत हो तो मैं इसका पूरा फ्लो चार्ट बना के, माइंड मैप की तरह फ्लो चार्ट बना के मैं आर्थिक एकीकरण के जितने हैं सब बता दूं और किन किन देशों से हैं,
तो उस पे हाँ, और पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी हम लोग कर लेंगे। तो आर्थिक एकीकरण का ये मामला है, और इस आर्थिक एकीकरण में कैसे पीटीए हम लोगों ने देखा, फिर एफटीए देखा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा, फिर हम लोगों ने बीआईटी देखा, बायलेटरल जो निवेश इन्वेस्टमेंट ट्रिटी है, संधि है, उसको देखा, फिर सेका या सेपा को देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है उसको कस्टम यूनियंस को देखा, फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक यूनियन को देखा, और उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल यूनियन को देखा। तो ये 7 चरण, और उसमें कैसे हम लोग कर रहे हैं, भारत सरकार को इससे क्या फायदा है, तो ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। तो ये मिला के, कुल मिला के आज का इतना ही है, और ये चीजें हम लोगों ने एक यूरोपियन यूनियन पे बात की और उस पर बात की। देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी क्लास को बहुत अच्छे से प्रोग्राम करेंगे, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्लास को ऐसा प्रोग्राम करेंगे। ये क्लास का नाम ही है पीआईबी एनालिसिस। खबर सिर्फ इतनी थी, थोड़ा सा आप अगर खबरों को देखें तो इसमें एक बात जो मैं अभी शायद छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा समझिएगा, इसमें जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे, जो मिनिस्टर हैं, जो पीयूष गोयल साहब हैं, ये कह क्या रहे हैं, इन्होंने कहा कि पीयूष गोयल साहब ने कहा कि आर अप्रोच अपनाने की बात कही है इन्होंने। तो थोड़ा सा ये सब शब्द ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको लीजिएगा, आंसर राइटिंग में बड़ी मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है, इसको आर अप्रोच अपनाना चाहिए, और ये जो आर अप्रोच है वो किस पे है, तो री एनर्जाइज पे है, ठीक है, आर फिर री इन्वेंट पे है, और जो तीसरा है री ओरिएंट पे है, तो इन्होंने ये बातें की। आर एनर्जाइज का मतलब है कि आप ऊर्जा के नए क्षेत्रों में फिर से रिसर्च करके चीजों में भारत और यूरोपियन संघ एक दूसरे का व्यापारिक साझेदार बने। री इन्वेंट करिए, कोई चीज अगर इन्वेंशन है तो उस पर क्या है, आप उसको क्या बोलते हैं, आप रिसर्च बोलते हैं, सर्च वो पहले हो चुका है। देखिए आप क्या शब्द यूज करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, सर्च खोज हो चुकी है, आप उस खोज में और स्पेसिफिक चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं आप। चावल की खोज है, लेकिन चावल की किस्मों पे आप, चावल पे खोज, आप चावल तो है, प्रोडक्ट पे तो जानकारी है, लेकिन आप रिसर्च कर रहे हैं तो कोई एक नई खोज उस चावल की किस्म की करेंगे, रिसर्च है। पुनः पुनः उस पे क्या की जा रही है, सर्च की जा रही है, इसी को रिसर्च कहा जाता है। यहां पर री एनर्जाइज करिए, इन्वेंशन हो चुके हैं उस पे और री इन्वेंट करिए, ओरिएंट करिए, नई चीजों को फिर से आप क्या करिए, बिल्डअप करिए, बनाइए, और ये करके इंडिया और यूरोपियन क्या है, अपने देश को क्या कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं, तो ये बात पीयूष गोयल साहब ने, और ये जो वर्डिंग्स है ना, री एनर्जाइज, री इन्वेंट, री ओरिएंट, ये वर्डिंग्स प्लीज पकड़े रहिएगा, बहुत फायदेमंद। आप जरा देखें तो अगर आप 2019 को ही ले लेते हैं तो 105 बिलियन जो ट्रेड है वो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक विद ये यूरोपियन यूनियन है। सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन अगर एक्सपोर्ट को देखा जाए कि इंडिया जो निर्यात कर रहा है, जो भेज रहा है, उसका दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य कौन है, तो ये यूरोपियन यूनियन है। और अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पा लिया, अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ आपका हो गया, तो आप समझिए कि आपका ट्रेड कितना बढ़ जाएगा उनके साथ। अभी तो आपके क्या है, आपके ट्रेड पे बहुत सारा ब्लॉक उन्होंने लगा रखा है, आपके जितने फूड के आइटम्स हैं उस पे इतने बड़े सेफ्टी मेजर्स हैं कि वो वहां पे टिकते ही नहीं है, सेफ्टी मेजर्स हैं इतना ज्यादा उन्होंने फूड आइटम्स पे, आपके सेफ्टी में प्रोडक्ट पे बहुत सारा सेफ्टी आइटम्स लगा रखा है, तो आपका प्रोडक्ट वहां टिकता नहीं है। तो इसलिए भारत चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत सरकार कर ले। और अगर आप देखें तो जुलाई 2020 में इसीलिए भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान क्या है, एक रणनीतिक, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की बात की गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ताकि हम अपना भविष्य जो देख सकें, जो हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, जो हम अपना फ्यूचर लेके आ रहे हैं, जो हम अपना इंडिया और यूरोप जो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही है, वो इंडिया और यूरोप फ्यूचर कैसे डिसाइड करे, तो कॉपरेशन पे करे, या म्यूचुअल करे। मतलब अगर इंडिया अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही तो बिना यूरोप की नहीं, और यूरोप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहा है तो बिना इंडिया के नहीं, ये कैसे संभव होगा। ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप जब हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, तो उसका पहला या दूसरा चरण ही अभी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स पे हैं आप लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ना है। तो ये है, आप देखिए क्लास प्रोग्राम एनालिसिस है, ये खाली न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ थी कि पीयूष गोयल साहब ने क्या किया, पीयूष गोयल साहब ने एक सेमिनार आयोजित, एक वर्चुअल उसमें उन्होंने बैठक में ऐसा कहा।
हम लोगों ने क्या कहा, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा इकोनॉमिक एग्नोरेशन पढ़ा, जो आर्थिक एकीकरण है उसके स्टेजेस हम लोगों ने पढ़ लिए, यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं ये देख लिया, उन देशों का नाम देख लिया, कैसे वो मास्टरिस संधि के अंतर्गत बने, लिस्बन से कैसे बाहर गया, कैसे ब्रिटेन किया गया, इन सारी चीजों का हमने क्या कर दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। और एनालिसिस सिंगल, देखिए खबर अगर कोई लेके आए और खबर खाली पढ़ दे, तो पढ़ तो आप भी सकते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ उस टीचर का। तो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एनालिसिस, और ये जो एनालिसिस है यही अप्रोच होता है, यही अप्रोच होता है। जहां हम लोग 5-6 महीने इस एनालिसिस को करते रहेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह से 70-80% क्या है, डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है, हम लोग जल्दी ही जो है अभी सोसाइटी का पूरा टॉपिक, आईआर का पूरा टॉपिक, ज्योग्राफी, सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, ये सारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और जल्दी ही इसकी कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं, और कोर्सेज जो होंगे वो प्लस पे भी होंगे और ऐप पे भी होंगे, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा यहाँ पे इस एरियाज में यूट्यूब पे, ताकि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए। तो प्लीज आप मुझको ज्वाइन करिए 10% डिस्काउंट के लिए, मैं मुकुल देव, आप मुझे ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, अप्रिशिएशन अगर हो, आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लिखा करिए मुझे, कहीं कोई आपको सुनने या समझने में समस्या आ रही हो तो लिखा करिए, क्वेश्चन आंसर हम लोग जल्दी ही लेके आ रहे हैं, उस पर आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट करिए। क्लास खत्म होने के बाद प्लीज आप लोग जाके कमेंट जरूर किया करिए कि क्लास में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किन चीजों पे मुझे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्लास ऐसा नहीं है, ये क्लास में खाली ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ, आप साथ में स्टूडेंट है, और ये क्लास हमारी है, और हमको इस क्लास को क्या है, चलाना है। तो हम टीचर स्टूडेंट का ये महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट करें, तो आप लोग प्लीज इसमें मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद आज के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं मुकुल देव आप लोगों का स्वागत भी करता हूँ, थैंक यू भी आप लोगों को बोलता हूँ कि लगातार आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू, बाय। डिस्कार्ड।